बेटी की शादी से पहले आमिर खान को लगा इस चीज का चस्का। आमिर रोज करते हैं ये काम। आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रेटेड एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने 30 साल से भी लंबे समय तक एक्टिंग करियर में कुछ ऐसी फिल्में डिलीवर की हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर उनका डोमिनेंस बरकरार रहा। हालांकि प्रोफेशनल लिहाज से पिछले कुछ साल आमिर के लिए अच्छे नहीं गए। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद लाल सिंह चड्ढा भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वही प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आमिर खान पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में है। बता दें कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बेटी आयरा खान की कुछ ही दिनों में शादी है। वो बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ 3 जनवरी को शादी करेंगी। बेटी की शादी में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में आमिर पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए हैं। इसी के साथ उन्हें एक नया शौक लगा है, जिसे लेकर वो सुर्खियों में है। नई नई चीजों को सीखने के लिए चर्चित आमिर को इस बार क्लासिकल सिंगिंग का चस्का लगा है। ई टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आमिर हर रोज 1 घंटा रियाज करते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर कर पाए। वो प्रोफेशनल क्लासिकल म्यूजिक टीचर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन क्या ये उनकी बेटी की शादी में दी जाने वाली परफॉर्मेंस के लिए है या किसी अपकमिंग फिल्म के लिए, ये साफ नहीं हो पाया है। आमिर की बेटी आयरा को लेकर चर्चा है कि वो महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से शादी करेंगी। शादी बहुत लग्जीरियस स्टाइल में ना होकर सिंपल होगी। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद आमिर ने 1.5 साल तक एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात कही थी। हालांकि अब वो वापसी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आमिर एक्टिंग प्रोजेक्ट सितारे जमीन पर को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा वो लाहौर 1947 फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर सुर्खियों में है। इस मूवी के हीरो सनी देओल होंगे। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।